क्या 2019 में मोदी का फिर से पीएम बनना मुश्किल है? जिग्नेश मेवाणी ने आखिर मायावती से क्या अपील की है? मिशन 2019 के करीब आने के साथ ही विरोधियों ने बीजेपी खासकर पीएम मोदी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे नेताओं की फेरिस्त में गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी शामिल हैं, जिन्होंने पीएम मोदी पर उनके ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमकर निशाना साधा। दरअसल वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी, योगी और अमित शाह की तिगड़ी को नेस्तनाबूद करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोग एक साथ और एक मंच पर आए। मेवाणी ने कहा कि देश में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की नहीं बल्कि कबीर, बुद्ध और रविदास की विचारधारा चलेगी। इस दौरान मेवाणी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बतौर दलित नेता आगे आने की अपील करते नजर आए। दलित नेता ने कहा कि यूपी में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो मैं उनके मंच से बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करूंगा। मेवाणी ने कहा कि वो खुद और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण उनके साथ दो बाजू के रूप में काम करेंगे तो पीएम मोदी की घर वापसी तय है। इतना ही नहीं, जिग्नेश ने इस दौरान बीजेपी की दलितों के प्रति प्रेम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला की हत्या करवाने वाले चुनाव नजदीक आने पर दलित प्रेम दर्शाने लगे हैं। दलितों को बरगलाने के लिए संसद में बिल लाया जा रहा है लेकिन दलित अब झांसे में आने वाले नहीं है। जिग्नेश ने कहा कि जिस गुजरात मॉडल की 2014 के लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा हुई उसका दम निकल चुका है। पीएम मोदी एक्सपोज हो चुके हैं। जिस साबरमती नदी की स्वच्छता की दुहाई देते थे, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वो देश की सबसे प्रदूषित नदी हो गई है। वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद कहा था कि माँ गंगे ने बुलाया है तो अब साबरमती उन्हें पास बुला रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।